हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज मैं बात करने वाला हूँ सचिन सांगा 2.0 की। जी हाँ गाइस यार, सचिन सांगा 2.0 आ चुका है। लेकिन आप इतनी वीडियो देख के अगर प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने जाओगे तो आपको एक रेड गेम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा प्ले स्टोर पर? इसका नाम भी गाइस यार चेंज हो चुका है। इसका नाम क्या होने वाला है, इसका गेम प्ले कैसा रहने वाला है, इसमें कौन कौन से फीचर होने वाले हैं, क्या कुछ इस क्रिकेट गेम में होने वाला है, इस वीडियो में फुल डिटेल में इसी क्रिकेट गेम की बात करूंगा। और आप ये क्रिकेट गेम डाउनलोड भी कहाँ से करोगे यो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस यार, वीडियो में तक बने रहिएगा। साथ ही यार गाइस, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए दिल से थैंक्स। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है गाइस यार, वो भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है गाइस यार वीडियो बनाने में। तो गाइस यार चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं सचिन सांगा 2.0 का नाम। तो गाइस यार जी हाँ, सचिन सांगा 2.0 का जो नाम था वो चेंज करके सचिन सांगा प्रो क्रिकेट रख दिया गया है। जी हाँ गाइस यार, सचिन सांगा प्रो क्रिकेट। और इस क्रिकेट गेम में कौन कौन से आपको फीचर देखने को मिलेंगे, कौन कौन से इसका गेम प्ले क्या होने वाला है कैसी, तो चलिए गाइस यार मैं आपको सचिन सांगा 2.0 ओपन करके दिखाता हूँ कि इनमें कौन कौन से फीचर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस यार आप देख सकते हैं, फाइनली सचिन सांगा प्रो क्रिकेट गेम लॉन्च हो गया है, जो कि 2.0 था लेकिन इसका नाम चेंज करके प्रो क्रिकेट रख दिया गया है। तो गाइस यार चलिए इसका मैं आपको होम पेज दिखाता हूँ, क्योंकि गाइस यार ये क्रिकेट गेम अभी भी मैंने आप लोगों को बताया प्ले स्टोर पर नहीं आया है। और ये प्ले स्टोर पर मुझे कैसे मिला है सब कुछ भाई यार इसमें डिटेल में बात होगी, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले गाइस यार आप देख सकते हो कि इसमें आपको लेजेंड जर्नी देखने को मिल जाएगी, मल्टीप्लेयर देखने को मिल जाएगा, क्विक प्ले भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही टूर्नामेंट भी आपको देखने को मिलते हैं और टेस्ट मैच भी। तो गाइस यार कमाल का सचिन सांगा का ये फीचर होने वाला है। तो गाइस यार चलिए मैं आपको अगला यहाँ से दिखाने वाला हूँ, तो ये देख सकते हो इसमें आपको ब्रांड न्यू स्टेडियम देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको कोलकाता, मुंबई, साउथ अफ्रीका के स्टेडियम, यहाँ से न्यूजीलैंड सार, यहाँ मतलब आपको बहुत से स्टेडियम देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे स्टेडियम। तो गाइस यार हम आपको नेक्स्ट आपको देखने को मिलती है यहाँ पे सचिन सांगा की जर्नी, जो कि लेजेंड जर्नी है, इसका गेम प्ले। तो गाइस यार इसका गेम प्ले आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी कमाल का गेम प्ले मुझे दिख रहा है। और साथ ही गाइस यार आप इसमें देख सकते हो इसका स्कोरबोर्ड भी काफ़ी यूनिक और बहुत ही कमाल का होने वाला है। जैसा कि स्कोरबोर्ड आपको एशिया कप में देखने को मिलता है, वैसे इसका भी स्कोरबोर्ड है, ऐसा स्कोरबोर्ड आपको किसी भी गेम में नहीं देखने को मिलने वाला है। तो गाइस यार कमाल का सचिन सांगा 2.0 का ये गेम प्ले होने वाला है। और साथ ही गाइस यार इसमें देख सकते हो अलग अलग आपको एनिमेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देख सकते हो आपको यहाँ से क्रॉस का, आपको शॉट का, आपको यहाँ पे सेलिब्रेशन, बॉलिंग एक्शन, मतलब बहुत ही कमाल का ये क्रिकेट गेम होने वाला है। अब गाइस यार बात करते हैं क्रिकेट गेम मुझे प्ले स्टोर पर कैसे मिला और प्ले स्टोर पर क्रिकेट गेम क्यों नहीं आया। तो जी हाँ गाइस, ये क्रिकेट गेम अभी तक इंडिया के लिए लॉन्च नहीं हुआ है। ये क्रिकेट गेम आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी इंडिया के लिए लॉन्च नहीं हुआ। कब तक होगा तो गाइस यार अभी इसका कोई कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन गाइस यार ये आपके लिए जल्दी इंडिया में लॉन्च हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है, इसलिए आप बार बार चेक करते रहिएगा। साथ ही गाइस यार ये मुझे क्रिकेट गेम प्ले स्टोर पर मिला कैसे, तो मैं बात करता हूँ। तो गाइस यार आप क्रोम में जाके अगर सर्च करते हो सचिन सांगा प्रो क्रिकेट, तो आपको वहाँ पे प्ले स्टोर का आइकन दिखेगा, जिस पे आप क्लिक करके यहाँ तक आ सकते हो। लेकिन क्रिकेट गेम अभी तक डाउनलोड नहीं हो सकता है गाइस यार प्ले स्टोर से। तो गाइस यार आप बाहर से भी इसको डाउनलोड कर तो सकते हो, लेकिन ये क्रिकेट गेम किसी ओपन नहीं हो रहा है, साथ ही ना ये सपोर्ट कर रहा है। तो गाइस यार वेट करो जब तक कि क्रिकेट गेम नहीं आता है, जब भी आ जाएगा तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। तो गाइस यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।